गुड आफ्टरनून सर। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम द्वारका प्रसाद है जी। द्वारका प्रसाद सर, आपकी एज कितनी है? 55 साल है सर। कोई बीपी शुगर की कोई तकलीफ? ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई ना बीपी है ना शुगर है। कोई खून पतला करने वाली गोली खाते हो? नहीं खाता सर। कोई हाल फिलहाल में 6 महीने साल में कोई सर्जरी हुई हो? नहीं हुई सर। ठीक है सर। सर आपके हम एक इम्प्लांट लगाने जा रहे हैं। जी सर। आपका इम्प्लांट डॉक्टर एना लगाएंगे और इनको असिस्ट डॉक्टर दमन करेंगे। मैं डॉक्टर अमन और डॉक्टर रुपिंदर हम गाइड करेंगे, लेकिन जो भी करना है डॉक्टर एना नहीं सारी सर्जरी कंप्लीट करेंगे। जी सर। आपकी सर्जरी सर फ्री है, आपके इम्प्लांट के कोई पैसे नहीं लग रहे। ठीक है। इम्प्लांट आज डाल दे, आज से पड़े नीचे का तो 2 से 3 महीने बाद वेट करके जी सर दांत लगाएंगे इसके ऊपर। जी सर। तो दांत जब 3 महीने बाद लगेगा तब भी आपका ट्रीटमेंट फ्री रहेगा। जी सर। ठीक है सर। जो इम्प्लांट है उस पर वारंटी आती है कंपनी के तरफ से। जी सर। ठीक है, हम आपको उस वारंटी का एक स्टिकर पर्ची पे लगा कर देंगे। जी सर। अगर मैं भूल जाऊं तो आपका फर्ज है कि वो स्टिकर अभी लगवा के जाना है यहाँ से आपने। जी सर। ठीक है सर, वारंटी तभी मिलती है अगर वो स्टिकर हो। जी सर। ठीक है, अगर वो स्टिकर गुम होगा वारंटी खत्म हो जाएगी। जी सर। वो स्टिकर का फोटोकॉपी नहीं चलता है। जी सर। वो स्टिकर ही चाहिए। ठीक है सर। तो वो स्टिकर सर देखिए, प्राइवेट में अगर आप जाएंगे ना, मेरी प्राइवेट क्लिनिक में 50,000 का इम्प्लांट है यही वाला। अच्छा। इस अस्पताल में भी नॉर्मली 11,000 रुपए का इम्प्लांट है। जी सर। प्राइवेट में 25-30 हजार का तो है ही है। तो 25-30 हजार रुपए में ना लगभग आधा तोला सोना आ जाता है। जी सर। तो आधे तोले सोने की इज्जत करनी है आपने उस स्टिकर की। जी। ऐसा नहीं कि सर आप ट्रीटमेंट फ्री हुआ है तो उसको कहीं भी फेंक दिया, क्योंकि नहीं सर। लेकिन सर इम्प्लांट ना एक बार लगता है, चलना उसको पूरी जिंदगी चाहिए। ठीक है सर। तो अभी आपकी एज 55 साल है, अगले 20 साल 15 साल में कोई दिक्कत आ सकती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप भी हो सकता है 2 टाइम ब्रश करना कभी भूल जाओ, हो सकता है आपको डायबिटीज हो जाए, हो सकता है कोई तकलीफ हो जैसे इम्प्लांट में दिक्कत आ जाए। आज नहीं है लेकिन 10 साल बाद किसी ने देखा नहीं है। जी सर। तो वो स्टिकर रहेगा तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। किस प्रकार की दिक्कत आ सकती है? दांत निकल जा सकता है, दांत ढीला हो जा सकता है। ठीक है सर। ठीक है, मतलब कुछ भी दिक्कत आएगी, अगर वो स्टिकर रहेगा तो इम्प्लांट के दोबारा पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है सर। लेकिन स्टिकर गुम हो गया तो इम्प्लांट के भी पैसे लगेंगे और उस टाइम का रेट लगेगा। ठीक है सर। ठीक है सर। तो स्टिकर बहुत संभाल के रखना है। ठीक है सर। मैं आपका और आपकी टीम का और आपके सर अभी इम्प्लांट लग जाएगा तब। ठीक है, क्या पता इतना दर्द करे आप बाद में हमें गुस्सा हो के जाए यहाँ से। अभी तो इम्प्लांट तो लगने दीजिए। ठीक है सर। जब आप इतनी कोशिश कर रहे हो सर, इतने इम्प्लांट आप लगा चुके हो, तो आपके आपको भी ईश्वर के ऊपर भरोसा है, मुझे भी ईश्वर के ऊपर भरोसा है। इसलिए चलिए सर्जरी जाएगा, फिर आपसे पूछेंगे कि कितना दर्द हुआ। सर आपका इम्प्लांट लगा दिया है। जी सर। कितना दर्द हुआ सर? कोई दर्द नहीं हुआ सर, मेरे को महसूस नहीं हुआ, कोई हल्का कोई मामूली कोई हुआ। सही तो ऐसा नहीं, बिल्कुल एकदम सही में बता रहा हूँ, कोई हल्का मामूली कोई दर्द महसूस हुआ है, अदरवाइज नहीं। सर जैसे 1 से 10 के स्केल पे 10 बहुत ज्यादा दर्द और 1 बिल्कुल दर्द नहीं, तो कितना? 1, 2, 3? बस मामूली हल्का सा, 2 समझ लो आप। ठीक है सर, आपके इम्प्लांट लगा दिया है, डॉक्टर एना ने लगाया, बहुत बढ़िया इम्प्लांट लगाया। अब इस पे दांत लगाने का जो प्रोसेस है वो 2 महीने बाद शुरू करेंगे, तीसरे महीने तक दांत लग जाएगा सर। ठीक है, कोई सवाल सर? नहीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर जो इंजेक्शन का असर है ना, अभी ये सब मोटा मोटा लग रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी लग रहा है थोड़ा। ये ना 2 घंटे तक असर रहेगा। ठीक है, 2 घंटे तक कुछ भी चबाना नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, अगर अभी चबाएंगे ना तो क्या होगा, होंठ और जीभ कटने का खतरा रहता है, क्योंकि वो सुन पर है। ठीक है सर। लिक्विड कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है सर। 2 घंटे बाद जब इंजेक्शन का असर खत्म हो गया तो चबाने वाला कुछ भी ले सकते हैं। आपके कोई चीरा नहीं लगा, आपके कोई टाके नहीं लगे। ये सर्जिकल टेक्निक को फ्लैपलेस सर्जरी बोलते हैं। ठीक है सर। डॉक्टर एना ने फ्लैपलेस सर्जरी करी है, तो कोई परहेज भी नहीं है, आप जो मर्जी खा पी सकते। जी सर। क्योंकि बस इंजेक्शन के असर को खत्म होने का इंतजार करना है। जी सर। इंजेक्शन के असर खत्म होने से पहले लिक्विड कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है सर। ठीक है सर। और जी सर, दवाई लिख कर दे रहे सर, दवाई आनी है 5 दिन। ठीक है,
अच्छा, और इस साइड से कोई सख्त चीज नहीं खानी है? जी सर। ठीक है सर, वो जो पार्ट डला हुआ है ना ऊपर, जी सर, जीभ नहीं लगाना है, उंगली लगा के चेक नहीं करना, क्योंकि देखिए उंगली भी गंदे हैं, जीभ भी हमारी गंदी रहती है। नहीं, जीभ तो जब अंदर है तो थोड़ी भी लगेगी, तो बार बार नहीं, डेलिब्रेटली नहीं जाना चाहिए। नहीं, ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है सर। और तो कुछ नहीं है। ठीक है सर, एक ओपीजी करा लीजिएगा, उस एक्सरे पे क्लियर आ जाएगा कि सब बढ़िया लग गया। वैसे सब बढ़िया लगी गया, बट ठीक है सर, आपको कन्फर्म एक ओपीजी करवा लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, धन्यवाद सर आपका।